इनेलो ने हरियाणा के परिवहन मंत्री किशन लाल पवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अधिकारियों को घोड़ी शब्द के साथ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के परिवहन मंत्री किशन लाल पवार, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और इनेलो इसको क्यों त्यूल दे रही है। मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अफसर हैं वो सरकार के ऊपर हावी हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस विषय में मैंने एक बात कही थी कि जिस प्रकार घोड़ी के ऊपर घुड़सवार होता है, जैसे वो घोड़ी को चलाता है तो घोड़ी वैसे चलती है, इसी प्रकार से प्रशासन के ऊपर सरकार है, जैसे सरकार चाहेगी तो प्रशासनिक अधिकारी वैसे काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यदि सरकार की बात को प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानेंगे, तब मैंने अपने सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार के पास ताकत है तो सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। यदि इन शब्दों से किसी ब्यूरोक्रेट को के किसी साथी को मन को पीड़ा हुई है तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन मैं अपने शब्द में वापसी लेता हूं, लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। पवार साहब, इनेलो ने एक और आरोप लगाया है कि जो दो सदस्यों को शपथ दिलाई गई है उस उन सदस्यों की शपथ पर हरियाणा के मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं और जो भाजपा में है वो जो गुटबाजी उभर कर सामने आई है, आपको क्या लगता है कि ऐसी बात है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दो मेंबरों को ओथ दिलाई, मैं भी ओथ में शामिल था, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुटबंदी नहीं है। जो भी पार्टी संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेते हैं तो उस पर सभी कैबिनेट के अंदर भी औपचारिक रूप से जब भी कोई मीटिंग होती है तो सभी मंत्रीगण उस पर सहमति जता देते हैं। ये थे मेरे साथ कृष्ण लाल पवार। इन्होंने कहा है कि जो घोड़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो पॉजिटिव वे में किया गया था, ना कि नेगेटिव वे में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जहां तक इनेलो ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री ने ये शब्द गलत इस्तेमाल किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। वहीं कृष्णलाल पवार का कहना है कि अगर इस सब से किसी अधिकारी को या किसी राजनीतिक पार्टी को दिक्कत हुई है तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं। कैमरामैन जसविंदर के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।